ओम श्री साई नमो नमः। मेरे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल SY भक्ति अड्डा में। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्री शिरडी वाले सदगुरु श्री साई की महानता के बारे में कथा सुनाएंगे, जो बहुत प्राचीन और प्रचलित है। आइए अब हम सब मिलकर साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं और साई की महानता के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में और भी साई बाबा की व्रत की विधि और कई अनेकों नई नई कथाएं डली हुई हैं, जो कि आप हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा पर जाकर सुन सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। आइए भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं सदगुरु श्री साई की महानता। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस भवसागर से मेरी नैया के खिवैया हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं, हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावत से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठा खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहंभाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार करती हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है कि श्री साई महाराज उसमें अगस्त स्वरूप ही हैं, इसलिए भक्तों को किंचित मान भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री सच्चिदानंद महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याण अर्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमने किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारी यह कथा घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त संकट दूर हों। बोलिए श्री सतगुरु साई महाराज की जय। बोलिए शिरडी वाले साई बाबा की जय।